होगा। अगर ये मोहब्बत ने तो ये दिन रात मुलाकातें, आउटिंग्स, फोन पर बातें किस लिए? आदिल, ये एक दूसरे को जानने का अमल है और चाहने के लिए सबको जाना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर पाना तुम्हारा मकसद है तो कोशिश से काम चल सकता है। यानी कि पहली नजर में जो होता है वो मोहब्बत नहीं होती। पहली नजर वाली मोहब्बत बेबुनियाद इमारत की तरह होती है। अब कशिश को मोहब्बत से कंफ्यूज मत करो। तो तुम्हारे ख्याल में हमारे दरमियान क्या है, कशिश या मोहब्बत? आदिल, हम दोनों एक ऐसे दुराहे पर खड़े हैं जिसका एक रास्ता मोहब्बत की सिम जाता है तो दूसरा रास्ता वापसी की तरह। हम इस दुराहे पर कितनी जल्दी आ रहे हैं, हालांकि कितने दिन हुए हमें मिलते हुए। इस सफर में दोनों की रफ्तार बराबर होनी चाहिए और इस दुराहे पर लाने वाले तुम ही तो हो। मैं? वो कैसे? तुम ही तो इतने बेचैन हो जैसे जैसे पिंजरे में कैद कोई जंगली जानवर, और तुम्हारी वजह से तो मैं यहाँ पहुंची हूँ। इसी बच्चों वाली बातें करती हूँ। ये फैसला मैंने उसी दिन कर लिया। फैसले करना बहुत आसान है मगर उनको कंप्लीट करना एक बहुत मुश्किल इम्तिहान। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आदिल, तुम्हारे दिल से मेरे दिल तक का फासला बहुत कम है मगर रास्ता बहुत कम है। मैं वो तुम्हें रास्ता नहीं बता सकती। हाँ, एक वादा जरूर करती हूँ कि उसको पार करने में तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। रीम, वो मैं सारी रात सोई नहीं। पिल्स के सहारे सोते सोते मैं तंग आ गई हूं रफी। तो मुझे भी बता रही डॉक्टर से जा से बैठे ये परफ्यूम तुमने शादी के बाद लगाना छोड़ नहीं दिया था? घर की सफाई कर रहा था, कुछ पुरानी चीजों के साथ से भी सामने आने लगा। क्या हर पुरानी चीज सामने आने पर तुम इसी तरह हाथ बढ़ाकर उठा लेते हो रवि? चीजें ज्यादा देर तक एक जगह पड़ी रहे फोन पर घर चल जाते। जैसे मेरा और तुम्हारा रिश्ता पिछले 20 साल से एक जगह पे खड़ा है। मुझे सुबह मत जगाओ, मेरे सर में दर्द है। ये दाल सब्जी बनाना जरूरी है क्या? तुम
कंप्लेंट्स। क्यों तकलीफ हो तो ना बोलो, अमन की तरह करता रहो। ये तुम लोग हर बात में मुझे क्यों विजिट लेते हो? तंग आ गया मैं रोज रोज की झकझक से। तब तुम पहले आ जाओ। हर इंसान सुकून के लिए आता है या झगड़े के लिए? किन दो खुदगर्जों के दरमियान फंस गया हूं मैं। अपनी इतनी फिक्र और जो दिन रात कट रहे उसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। क्यों बे, क्यों कट रहा है? कोई कमी है तुझे? ये तू किस तरह बात कर रहा है उसे? तमीज नहीं तुझे किसी से बात करने की? शर्म ही आती तुझे? अगर कभी भोले से उसने पूछ ही लिया तो तू अपना मुंह सी ले। अबे ये अपना मुंह क्या सीएगा? सारा दिन कॉलेज में मैम के छुट्टे सीधे करता रहता है, घर आके हवा का एक्सरे बनाता है। उसकी जिंदगी है ना, वो जो जी चाहे करे। तूने उसे खरीद लिया क्या? मुझे लगा तुम मुझे याद कर रहे होगे। मिनाहिल, मुझे लगता है मेरी तरह मेरी सोचों की रफ्तार भी बहुत स्लो है। लंच पर क्या कर रहे हो? लंच? मेरे साथ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कल। आई एम सॉरी मिनाहिल, तुमसे जुड़ी मेरी तमाम खूबसूरत यादें इत्तफाक की मुलाकातें थी। मगर ऐसा भी क्या रफी? जीवन की राहों में क्या रंग है देख ले। एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना छोड़ दी। या फिर एक दूसरे के साथ शेयर करना छोड़ दी। शायद शेयर करने के बाद प्रॉब्लम्स कम होने के बजाय और बढ़ जाएं। मसला हरीम है। जब नहीं थी तो रातों की नींदें उड़ी हुई थी, अब है तो दिन का सुकून जा रहा है। वो कैसे? वो कहती मैं उसे उकता रहा हूं कि मुझे बंधे रहने की आदत नहीं है। जानवर तक तो कह चुकी है मुझे बंधे रहने की आदत नहीं। कहती तो वो ठीक है, फिर तूने क्या सोचा? जो तुम कहो यार। मगर पहले अपनी प्रॉब्लम्स तो बताओ। मैं वो दरअसल बात ये है कि अब बोल भी दे यार। जीवन की राहों में क्या रंग देख ले।
और तेरा क्या मसला है? खुशबू को चलते चलते अपना मसला हल करने के काबिल बन, दूसरों से भी पूछ लें। तुम कभी